टू ढिंचैक इंग्लिश और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में कि पोसेसिव एडजेक्टिव आखिर क्या होता है और इसका यूज कैसे और कहां पर किया जाता है। तो एडजेक्टिव के बारे में जैसा कि आपको पता है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है या फिर उसको मॉडिफाई कर देता है वो होता है एडजेक्टिव। अब यहाँ पर जो पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव भी मॉडिफाई करने का ही काम करता है, लेकिन ये एक अलग तरीके का मॉडिफिकेशन करता है। अलग तरीके का मॉडिफिकेशन का मतलब ये है, जो पोसेसिव एडजेक्टिव है इसका यूज किया जाता है पोसेशन अधिकार जताने के लिए, ठीक है, रिलेशन संबंध जताने के लिए, या फिर ऑनरशिप यानी स्वामित्व का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कुछ वर्ड है माई, माई मीन्स मेरा, तो ये जो माई है ये है पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, इसका मतलब मेरा या मेरी। जैसे यह मेरी गाय है, इस गाय पर मेरा अधिकार है, इसका मतलब यही तो हुआ, यानी इस गाय पर मेरा स्वामित्व है या फिर इस गाय से मेरा संबंध है। तीनों तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो यहां पर जो माई है वो क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, दिस इज माई काउ, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से आवर, आवर मीन्स होता है हमारा या हमारी, जैसे ये हमारा घर है, इसका मतलब इस घर पर हमारा अधिकार है या फिर इस घर पर हमारा स्वामित्व है या फिर ये घर हमसे संबंधित है। तो इस तरीके से पोसेसिव एडजेक्टिव आवर, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। योर, तुम्हारा या तुम्हारी, हिज, उसका या उसकी, मेल के लिए यूज होता है हिज, और हर, उसका या उसकी, फीमेल के लिए यूज होता है, और देयर, उनका या उनकी, मेल फीमेल कुछ भी हो, अगर वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके लिए उनका या उनकी, देयर का यूज होता है, ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव देयर का यूज होता है। इसी तरीके से इट्स, इट्स का मतलब होता है इसका या इसकी, और इस इट्स का जो यूज है वो न्यूट्रल जेंडर के लिए भी किया जाता है, ठीक है, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए हम कह सकते हैं, और इसके अलावा इसका यूज पशु पक्षियों के लिए भी किया जाता है और बच्चों के लिए, किसी भी जानवर के बच्चों के लिए भी इट्स का यूज किया जाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स का यूज, ठीक है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज हमें कैसे करना होता है। देखिए पहला जो सेंटेंस है, यह मेरी गाय है, ठीक है, तो दिस और दैट का यूज तो आपने पढ़ ही रखा है पिछली वीडियो में। अगर इसका ट्रांसलेशन करना होगा तो हम आराम से लिख सकते हैं दिस इज माई काउ, ठीक है, दिस इज माई काउ। तो यहाँ पर जो माई आया ये क्या है, यही है पोसेसिव एडजेक्टिव, और ये किससे पहले आया, नाउन, एक नाउन से पहले आया, काउ प्रॉपर नाउन से पहले आया। तो एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, तो नाउन से पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव ही तो है। और माई काउ, गाय की विशेषता क्या है कि वो मेरी गाय है और उस गाय पर मेरा अधिकार है, तो एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है और पोसेशन का भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से माई क्या हुआ, पोसेसिव एडजेक्टिव। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब पोसेसिव एडजेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस, यह इसकी पूंछ है, ठीक है, तो इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, यह इसकी पूंछ है, दिस इज इट्स टैल, टी ए आई एन, ठीक है, दिस इज इट्स टैल। अब यहां पर इट्स इसलिए किया गया, इसकी पूंछ है वो पता नहीं कौन सी जानवर की पूंछ है, तो हिज या हर के बजाय हम सीधे इट्स ही कर देते हैं क्योंकि पशु पक्षियों के लिए भी इट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यह तुम लोगों की गलती है, तो आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, यह तुम लोगों की गलती है, दिस मीन्स यह इज योर, मीन्स तुम लोगों की या तुम्हारी, एक ही बात है, दिस इज योर फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स होती है गलती, दिस इज योर फॉल्ट, ठीक है, योर फॉल्ट, योर क्या है, यही है पोसेसिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से यह उसकी अंगूठी है, तो अंगूठी लड़की की हो सकती है, तो इसलिए इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज हर, उसकी के लिए क्या लिखेंगे, हर, हर उसका या उसकी फीमेल के लिए होता है, ठीक है। और रिंग, आर आई एन जी, रिंग, दिस इज हर रिंग, यह उसकी अंगूठी है। इसी तरीके से तुम एक पुलिस अधिकारी हो और यह तुम्हारा दायित्व है, इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा तुम एक पुलिस अधिकारी हो, तो इसका तो हो जाएगा सब्जेक्ट यू, और आर मीन्स हो, यू आर क्या, हो एक पुलिस अधिकारी, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ए पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस अधिकारी के लिए क्या हो जाएगा, ए पुलिस ऑफिसर, ठीक है। और यह तुम्हारा दायित्व है, तो और के लिए हम यहीं पर लगाएंगे एंड, यह के लिए हो जाएगा दिस, तुम्हारा दायित्व। अब यहां पर जो तुम्हारा है ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, तो ये हो जाएगा योर,
दायित्व के लिए हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर ए पुलिस ऑफिसर एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगला संडे से आपका भाई अनपढ़ रहेगा, आपका भाई अनपढ़ रहेगा, तो यहां पर जो आपका है ये पोसेसिव एडजेक्टिव है और ब्रदर ये नाउन है, तो आपका भाई ये हो जाएगा योर ब्रदर, आपका भाई, ठीक है। रहेगा ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो इसके लिए यूज करेंगे विल बी, मींस रहेगा, क्या रहेगा, अनपढ़, अनपढ़ के लिए हो जाएगा इलिटरेट, इलिटरेट या फिर अनएजुकेटेड, कुछ भी हम लिख सकते हैं। और यहां पर दिया गया है मेरा भाई वकील है और उसकी मासिक आय 20,000 रुपए है, तो इसका ट्रांसलेशन बहुत ही शानदार तरीके से किया जा सकता है, मेरा भाई वकील है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माय ब्रदर, मेरा भाई इज है, क्या है, एडवोकेट, एन एडवोकेट, एन एडवोकेट, क्यों, ये चीज आपको पता है, और उसकी मासिक आय एंड हिज, क्योंकि पुरुष है, भाई क्या है, मेरा भाई पुरुष है, तो हिज उसकी के लिए लगाएंगे हिज, उसकी मासिक आय मंथली इनकम, एंड हिज मंथली इनकम इज कितना है, 20,000 रुपीज, तो 20,000 रुपीज ऐसे लिख देते हैं, 20,000 रुपीज, ठीक है, बहुत ही शानदार। चलिए भाई, माय ब्रदर इज एन एडवोकेट एंड हिज मंथली इनकम इज 20,000 रुपीज। अगला सेंटेंस है, आप एक ईमानदार आदमी हैं और यह आपका कर्तव्य है, आप एक ईमानदार आदमी हैं, आप यानी कि यू आर एक ईमानदार आदमी, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट का पहला अक्षर एच है, लेकिन जो साउंड आ रही है वो वोवेल्स की आ रही है, और की आ रही, इसलिए एन का यूज करेंगे, ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन, और यह आपका कर्तव्य है, एंड यह क्लियर हो जाएगा, दिस इज क्या है, आपका कर्तव्य, योर ड्यूटी, दिस इज योर ड्यूटी, और यह आपका कर्तव्य है, दिस इज योर ड्यूटी। अगला सेंटेंस लिखा है, उसके पिता बूढ़े हैं पर वह स्वस्थ होंगे, उसके पिता बूढ़े हैं, तो यह हो जाएगा हिज फादर, उसके पिता हिज फादर, हिज की जगह पर हर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं जो पिता है वो किसके, किसी लड़की के, किसी औरत के हैं, या फिर किसी पुरुष या किसी लड़के के हैं, ठीक है, तो हिज फादर या हर फादर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। बूढ़े हैं, हिज फादर इज क्या है, ओल्ड, हिज फादर इज ओल्ड, उसके पिता बूढ़े हैं पर वे स्वस्थ होंगे, पर यानी कि लेकिन यानी कि बट, ठीक है, बट वे स्वस्थ होंगे, तो यहां पर वे तो लिखा है लेकिन दे नहीं लिखेंगे, क्योंकि पिता की बात हो रही है ना, तो पिता यानी कि एक पुरुष होंगे, एक ही पुरुष होंगे, एक वचन होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, इसलिए ही लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा ही, और होंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए यूज होगा विल बी, ही विल बी हेल्दी, स्वस्थ, ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा ये सेंटेंस, His father is old, उसके पिता बूढ़े हैं, but he will be healthy, लेकिन वे स्वस्थ होंगे। अगला सेंटेंस है, हम लोग आप लोगों के मददगार हैं, परंतु आप लोग हम लोगों के दुश्मन। तो यहाँ पर जो लोग 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 लोगों लिखा है, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जो भी पोसेसिव एडजेक्टिव होता है आपके लिए और हमारे लिए वही यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यानी कि वी, ठीक है, तो ये हो जाएगा वी, वी मीन्स हम यानी हम लोग, मददगार हैं आर हेल्पर, ठीक है, आप लोगों के मददगार हैं, तो वी आर योर हेल्पर, योर हेल्पर, आप लोगों के, आप लोगों के यानी कि आपके, यानी कि तुम्हारे, एक ही बात हुई भाई, ठीक है, योर का मतलब ही हुआ तुम्हारा या तुम लोगों का या आप लोगों का, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, परंतु कॉमा एक लगा हुआ है, परंतु आप लोग हम लोगों के दुश्मन हैं, तो बट परंतु के लिए लगा लेंगे, बट किंतु परंतु बट ही होता है, आप लोग यानी कि यू हैं आर
इनमी दुश्मन, किसके दुश्मन? हम लोगों के। बट यू आर आवर, यानी कि हमारे, यानी कि हम लोगों के इनमी। ठीक है, वी आर योर हेल्पर, हम आप लोगों के मददगार हैं, यानी कि हेल्पर हैं। बट यू आर, लेकिन आप लोग हैं, यू मीन्स तुम या तुम लोग या आप लोग, लेकिन आप लोग हैं आवर इनमी, हम लोगों के, यानी कि हमारे दुश्मन। तो मैं ये सोचता हूँ कि पोसेसिव एडजेक्टिव का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव का एक और रूप है अपना, अपनी या अपने के लिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो इस आपने अभी तक जो सीखा है इस वीडियो में, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज हैं आपकी बुक में, आप वो कंप्लीट करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव के कुछ और कॉन्सेप्ट, कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और एक्सरसाइज के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।